फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स ब्यूटी एंड हेल्थ स्टूडियो चैनल। एज यू नो, मैं हूं निहारिका। मेरी आज की वीडियो थोड़ा खास है क्योंकि मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूं कि लोगों को बहुत बड़ा डाउट होता है कि पतंजलि का ग्रीन वाला जेल जो एरोवेला जेल है और येलो वाले में दोनों में डिफरेंस क्या है। तो आज मैं इसी के रिव्यू से बात करूँ। सब्सक्राइब करें ब्यूटी एंड हेल्थ स्टूडियो चैनल को और उसके बाद बेल आइकन दबाएं ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे और ये बिल्कुल फ्री है। मेरी आज की वीडियो थोड़ा खास इसलिए है क्योंकि आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि बहुत सारे लोग होते हैं जो पतंजलि का ये जेल लेकर के आते हैं और उनको इस चीज की प्रॉब्लम होती है कि पता नहीं कौन सा बेस्ट है हमारी स्किन के लिए, कौन सा नहीं है। तो आज मैं इसके रिव्यू की भी बात करूँगी कि इन दोनों में बेस्ट क्या है आपके लिए और किस चीज़ में आप इसे यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इस ग्रीन वाले एरोवेला जेल की, जिसमें केसर और चंदन इंक्लूड नहीं है और इसमें केसर और चंदन इंक्लूड है, तो अगर बात करें फेस के लिए, तो फेस के लिए अगर आप यूज करते हैं तो ये सबसे ज्यादा बेस्ट होगा आपके लिए। क्योंकि इसकी अगर बात करें हम रिव्यू की, तो इसमें लिखा हुआ है यूनिक ब्लेंड ऑफ चंदन केसर विद एरोवेला जेल प्रोवाइड एंटीऑक्सीडेंट नरिशमेंट प्रॉपर्टीज विच मेक द कॉम्प्लेक्शन फ्री फ्रॉम रफनेस जलनेस, आल्सो हेल्प टू कंट्रोल सनबर्न टैनिंग डार्क स्पॉट एंड पिगमेंटेशन। तो ये बहुत सारी चीजों में यूज हो सकती है, यानी अगर फेस में आपकी बहुत सारी कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, रिंकल्स है, पिंपल्स वगैरह, आपका फेस क्लीन नहीं है, फेस में डलनेस है, सन टैनिंग की प्रॉब्लम होती है आपको बार बार, तो ये आपके लिए बहुत बेस्ट होगा आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग। क्योंकि मैं पहले यूज नहीं करती थी, लेकिन जब से मैंने इसे यूज किया है तो ये एक अच्छी मेरे लिए नाइट क्रीम के रूप में यूज करती हूँ मैं इसे। और अगर बात करें इसकी, तो सेम चीजें इसमें भी है, बस इसमें केसर और चंदन इंक्लूड नहीं है। लेकिन अगर आप इसे फेस पैक में यूज करते हैं या आपके जो हेयर है वो ड्राई है काफी, तो आप इसे यूज कर सकते हैं हेयर में भी, फेस पैक में भी और अपने फेस में भी यूज कर सकते हैं। आपको पता है कि एरोवेला का हम सबसे बड़ा यूज इसलिए करते हैं क्योंकि जब हमारे फेस में ड्राइनेस आती है तो हमारा जो फेस है वो डल दिखने लगता है। तो हम अगर एरोवेला का यूज करते हैं तो हमारे जो फेस है वो काफी ग्लो आ जाता है उससे, जिससे हमारा जो फेस का कलर है, जो ओरिजिनल कलर है, वो निकल के आ जाता है। तो इसलिए हम एरोवेला का यूज करते हैं और आजकल तो हर कॉस्मेटिक क्रीम जो वगैरह है उसमें सब में एरोवेला का यूज होता है। तो अगर इसके रिव्यू की बात करें तो सेम चीजें इसमें भी है, सारी चीजें जो इसमें है वो इसमें है, लेकिन इसमें सिर्फ केसर और चंदन इंक्लूड नहीं है। तो अगर और इसमें सबसे ज्यादा जो इसका मात्रा है वो इसमें एरोवेला का है और इसमें एरोवेला के साथ में केसर और चंदन की मात्रा थोड़ी है, तो इस वजह से ये आपके फेस के लिए काफी बेस्ट रहेगा। लेकिन अगर आप किसी फेस पैक में यूज करते हैं या फिर अगर आप यूज करते हैं हेयर के लिए, तो ये बेस्ट रहेगा कि आप इसे यूज कर सकते हैं। तो हमें दोनों का यूज कर दी, मैं ये मना नहीं कर रही हूँ कि आप इसे अपने फेस के लिए यूज मत करिए, ये फेस के लिए भी अच्छा है, नो डाउट नेचुरल है, तो इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होंगे आपको। लेकिन इसमें जो लगाने की बात की गई है, तो इसमें भी सेम वैसे ही जैसे आपको यूज करना है वो लगाने की बात की गई है कि रात में आप इसका 30 मिनट सेम प्रोसेस आपका ये भी है। तो जाहिर सी बात है इसे आप अपने फेस में भी यूज कर सकते हैं, इनफैक्ट पूरी बॉडी में यूज कर सकते हैं, अपने हैंड में, ये आपको मॉइस्चराइज करेगा तो वो भी बेस्ट है आपके लिए। तो और इसमें जो है लिखा हुआ है कि ये त्वचा के विकारों जैसे खुरदुरापन है, दाग है, धब्बे है आदि में एरोवेला जेल से मसाज करिए तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। और इसमें लिखा हुआ है साफ साफ, मैं जो अभी आपको बता रही थी, हेयर के लिए बहुत बेस्ट है, यानी बालों की समस्या जैसे बालों का झड़ना, बालों का ना बढ़ना, बालों का कमजोर होना, डैंड्रफ आदि में स्नान करने से 15 मिनट पहले। तो अगर आप इसे हेयर के लिए यूज कर रहे हैं तो मैं आपको एक और अपनी तरीके से छोटी सी टिप्स देना चाहूंगी कि आप जब भी इसे अपने हेयर में यूज करें तो जैसे आपने 4 टेबलस्पून के करीब आपने एरोवेला जेल ले लिया, तो उसमें आप 2 टेबलस्पून के करीब लेमन जूस ऐड कर दीजिए, दोनों को अच्छी तरीके से मिक्स कर दीजिए, फिर आप उसे यूज करिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जो हेयर है वो थोड़े से
सॉफ्ट ज्यादा होंगे। और दूसरे तरीके अगर आपके हेयर में किसी तरीके कोई प्रॉब्लम है जो आजकल दो महीने बाद हो जाते हैं, और जो है एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिलती ये है कि हमारे बाल बहुत ड्राई होते हैं और उसमें शाइनिंग नहीं होता, तो वो आपको देखने को मिलेगा सबसे ज्यादा अगर आप इसमें लेमन जूस भी ऐड कर लेते हैं। तो अगर बात करें इसके जो है कि रिव्यू की, तो ये जो है 80 रुपीज का है, 150 ml है, और ये 50 रुपीज का है लेकिन सिर्फ ओनली फॉर 60 ml का है। तो दोनों में डिफरेंस तो है ही है, लेकिन ये जो पैसे का डिफरेंस है वो इसलिए है क्योंकि इसमें इन्होंने केसर और चंदन इंक्लूड किया है। तो केसर महंगा ही है, केसर हमारे स्किन में सबसे बड़ा जो फर्क देखने को ले आता है वो केसर से हमारे स्किन में ग्लो बहुत आता है। और दूसरी चीज, चंदन, हम चंदन का यूज हम इसलिए करते हैं क्योंकि चंदन से हमारे फेस में ठंडक पहुँचती है, तो हमारे स्किन जो होते हैं तो जो ड्राइनेस वगैरह होती है वो थोड़ी सी दूर हो जाती है और हमारी जो स्किन है वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है, तो इसलिए हम चंदन का यूज करते हैं। और नो डाउट अगर इसमें एरोवेला मिक्स है तो आप समझ सकते हैं कि एरोवेला के साथ में केसर और चंदन है तो आपको फेस में कितना अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। वैसे आप इसका एक लाइव रिजल्ट देखना चाहते हैं तो मेरे फेस में देख सकते हैं, मैं इसे यूज करती हूँ और जब से ये आया है तब से तो मैं नहीं कह सकती मैं इसे यूज करती हूँ, लेकिन पिछले 1 month से मैं इसका यूज कर रही हूँ तो ये काफी अच्छा रहा है, मुझे इसका बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है। तो मैं तो आपको यही बोलूंगी कि अगर आप फेस के लिए यूज कर रहे हैं तो आप ये यूज करिए, और अगर ये आप ले आइए तो फेस पैक यूज करते ही रहते हैं, तो आप फेस पैक में एलोवेरा जेल किसी भी तरीके का कोई फेस पैक आप बनाइए तो उसमें ये एलोवेरा ऐड कर दीजिए। दूसरी चीज ये है कि आप अपने हेयर पर भी यूज करिए, नो डाउट हेयर के लिए एलोवेरा बहुत अच्छा होता है, हमारी स्किन के लिए, हमारी हेयर के लिए, हमारी बॉडी के लिए, इनफैक्ट हेल्दी भी है ये, अगर हम खाने में भी यूज करते हैं तो ये बहुत हेल्दी है हमारे लिए। आजकल लोग एलोवेरा का जूस पीते भी हैं और उसके साथ में जिन लोगों को जैसे पकौड़े वगैरह बनते हैं उसमें भी एलोवेरा के टुकड़े होते हैं उसको निकाल करके उसके पकौड़े भी खाते हैं क्योंकि ये लीवर को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। तो जो है आप जो है एलोवेरा का एलोवेरा का पेड़ लेकर के आइए और लगा दीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको जो है मतलब बिना किसी कोई उसके जो है आपको घर में ही मिल जाएगा नेचुरल चीज, जो आपको आप खुद देख करके लगाएंगे कि इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होने वाला है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो एलोवेरा होता है वो हर स्किन टाइप के लोगों के लिए होता है, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि जिन लोगों को डाउट होता है कि दोनों में बेस्ट क्या है हमारे लिए, तो उनको थोड़ी सी जो है अच्छा हो जाएगा उनके लिए, उनको हेल्प मिल जाएगी इससे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर।